अच्छा जी, तो जिम्स एंड जूल्स ने मुझे पीयर पैकेज भेजा है और उन्होंने कोड दिया है 10% ऑफ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये ब्रेसलेट देख लें, बहुत ही प्यारा। अच्छा जी, तो साथ में इन्होंने कुछ और इयररिंग्स भेजे हैं, जैसे कि ये हो गए, ये स्टड्स बहुत हसीन, ये हुप्स, ये इयररिंग्स बहुत खूबसूरत एंड ओवल शेप में क्या कहते हैं, हुप्स। ओके, सो इन्होंने मुझे भेजे हैं दो क्लचेस, ठीक है, एक जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, दूसरा इस तरह से दिखता है। दिस वन इज़ वेरी क्यूट, कार्ड होल्डर है बेसिकली ये। आप साइड से पैसे भी रख सकते हो, यहाँ पे कार्ड्स रख सकते हो, अगर पैसे कुछ ज़्यादा हैं आपके पास तो भी रख सकते हो इधर। एंड ये वाला थोड़ा सा बड़ा है एंड इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, इसमें आप अपना फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। एंड यहाँ से ये खुलता है इस तरह से, तो कार्ड्स वगैरह आप लोग इधर रख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो शोर को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि अनाविया पीछे खेल रही है। तो ये वाला पीआर पैकेज मुझे लारोसा बाय नूर ने भेजा है, लेट्स सी कि इन्होंने भेजा क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट कोड, दूसरी बहुत ज़रूरी बात कि मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, अगर आप लोगों ने यूज़ किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। ऑर्गेनिक है एंड दिस इज़ देयर फेस वॉश, ठीक है, लारोसा बाय नूर, द टेस्ट ऑफ बींग अ गर्ल। एंड इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसको यूज़ इस तरह से करना है और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड या अप्रूव। सो नेक्स्ट इन्होंने भेजा है सनस्क्रीन, ओके, सो ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। और ये ज़रा इसके हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। फिर है भाई ये मॉइस्चराइज़र टिंट कॉरल पे। अच्छा जी, तो ये बेसिकली टिंट है और मुझे इसका पंप बहुत ज़बरदस्त लगा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम उछल के प्रोडक्ट नहीं आता, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतना ही प्रोडक्ट बाहर आता है। एंड इसको मैं ट्राई करके ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, शेड इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, तो ब्लेंड होने के बाद कुछ लगता इस तरह से है, बिल्कुल भी वो ड्राई अजीब सा नहीं है, बहुत मॉइस्चराइजिंग एंड समथिंग डिफरेंट, आई लव इट। अभी तो फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन मैं यूज़ करके इसको फेस पर फिर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी अबाउट दिस एंड दिस इज वेल। थैंक यू सो मच। द क्वालिटी इज सो गुड, बाहर से इट इज़ सुपर सॉफ्ट, ठीक है, इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, लाइक एकदम से यूं करो तो बंद हो जाता है एंड यूं खोलो तो मतलब हम लड़कियों को और क्या चाहिए, स्पेस, वी नीड स्पेस। इसके अंदर है ये पाउच जो कि है अटैच यहाँ पे, इसके अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हो, जैसे वो मिड पार्टीशन में एक जिपर होता है, समथिंग लाइक दैट, एंड साइड पे आप बुक्स वगैरह या कॉपीज़ वगैरह रख सकते हो। इसका साइज इज़ लाइक दिस, ठीक है। हैंड बैग है, बहुत क्यूट, एलिगेंट, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग, पेज मैंने टैग कर दिया, तमाम डिटेल्स जो हैं वो पेज से, ठीक है। इसके साथ लंबी स्ट्रैप भी है मौजूद, इस जिपर के अंदर है, एक हाथ से खोलना मुसीबत, मुश्किल। सो ये रहा स्ट्रैप, ठीक है, इसको आप शोल्डर बैग की तरह भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ये ब्यूटीफुल बैग। ओके जी, तो नेक्स्ट पीआर पैकेज इज फ्रॉम हयात कलेक्शन इन देयर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट मेरे प्यारे फॉलोअर्स को। छोटा ब्रांड है तो प्यार दिखाइए। सो इन्होंने भेजा है भाई बहुत ही क्यूट 3-पीस सूट, जिसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है, सिंधी टाइप वर्क इसको कहते हैं, या एप्ले, क्या आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट काम है भाई, हमारी जुबान में काम वाला लॉन का सूट। जी, तो ये हो गई शर्ट, ठीक है, ये लॉन है एंड शर्ट के फुल गले पे काम हुआ हुआ है, ठीक है, नीचे तक, एंड फिर ये एक एक फूल है फ्रंट पे,
ठीक। एंड साथ में है ये शिफॉन का दुपट्टा जिस पे ये एक एक फूल बना हुआ है, काम देख लें आप, ठीक है। एंड फिर ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से शलवार है और ये पांचों पे इस तरह से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भेजने के लिए, डिज़ाइन इज़ वेरी प्रिटी, थैंक यू। ओके सो ये क्लच, एक्सफोलिएटिंग जेल, ये बैग, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। स्नैक ऐप पे गिव अवे कमिंग सून। बस आप लोगों को मेरी वीडियोस को शेयर करना है, मुझे वहाँ पे फॉलो करना है, एंड अ गिव अवे कमिंग वेरी 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 सून। 2 फुल क्वेश्चन आंसर पेज। तो क्या हो गया? पूरा पेज, पूरा पेज। Hey guys, today we're making yummy chicken parmesan using Shangri-La's pizza sauce. First, you're going to take 2 eggs. Then add 1 teaspoon of salt and pepper each. Add 1 tablespoon of dried parsley. You can Assalamualaikum, क्या हाल चाल है? बाहर का शोर इग्नोर करना है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं ना। थॉट लेट्स डू सम PR अनबॉक्सिंग। फर्स्ट वन जो कि मुझे रिसीव हुआ है इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक हब, एंड ये मेरी हिब्बा की फुप्पो जो हैं वो अपने बच्चों को बोल रही हैं बैठ जाओ, लेकिन माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं ना एक दूसरे से ज़्यादा शैतान है। सो ये बेसिकली सोप है जो कि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसका नाम है रोज़ सोप। ये बेसिकली ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। इसको आप अपने फेस वॉश के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आप फेस वॉश लिक्विड सोप्स वगैरह नहीं यूज़ करते तो। इसमें रोज़ पाउडर, लेवेंडर पाउडर, कोजिक एसिड पाउडर, नाइसिनमाइड है जो कि पोर्स को श्रिंक करता है, विटामिन B3 है जो कि आपकी स्किन को ड्राई होने से रोकता है, ठीक है। ओके सो दूसरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक हब का हर्ब इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये हेल्पफुल है किन किन चीज़ों के लिए। ये आपके बालों को सिल्की लॉन्ग हेयर फॉल रुकता है, डैंड्रफ के डैंड्रफ रिमूव करता है, हेयर लॉस के लिए अच्छा है। मम्मा की जान का हो गया, का हो गया। अच्छा तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी, पेज जो है वो मैंने टैग कर दिया है, ठीक है। इसको यूज़ करने का डायरेक्शन ये है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए प्रोडक्ट का, वो फोकस कर ले भाई जान, बैठ। ओके सो टिंट बहुत 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 प्यारा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। आई लव इस तरह से बहुत ही लाइट से टिंट जिनको ब्लेंड करना बहुत आसान होता है ब्यूटी ब्लेंडर, और अपने फिंगर से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से। स्मेल यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके सो ये है ऑर्गेनिक हब का रोज़ वाइटनिंग सीरम। आई डोंट नो व्हाई वाइटनिंग, ब्राइटनिंग हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन वाइटनिंग और लाइटनिंग मैं सपोर्ट नहीं करती। बाकी जो डिटेल्स हैं आप पेज से पूछ लीजिएगा। लास्ट समर भी अदन की सेम ऐसी ही एक शर्ट थी जो उसकी बहुत फेवरेट थी एंड बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो आई थॉट कि इसको नई लेके देती हूँ। एंड उसमें ये येलो थीम नहीं था, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट थी, and he loves it. Hi baby,
हाय बेबी, ये दे दो। अच्छा, सो नेक्स्ट पीआर पैकेज मुझे vegas.pk ने भेजा है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, उनका पुराना पेज जो है वो हैक हो गया था, अब उनका नया पेज है, तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ। दूसरी बात कि मैंने चंद दिनों पहले ही मुझे मेरा पैकेज रिसीव हुआ है, जो कि मैंने ऑर्डर कराया था इनकी वेबसाइट से। मैंने मेबेलिन की फाउंडेशन मंगवाई थी, 120 क्लासिक आइवरी, जो कि मेरे शेड से डार्क है, एंड डुओ की आईलैश ग्लू मंगवाई थी, एंड साथ में केरास्टास का हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू कंडीशनर, और साथ में वो सीरम मंगवाया था अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो उसका रिव्यू कभी फिर कभी करेंगे। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि मैं अमूमन यहीं से शॉपिंग करती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, एंड इनकी वेबसाइट जो है इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, सो इन्होंने मुझे पीआर पैकेज भेजा है, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। थैंक यू। सो इन्होंने बहुत कुछ भेज दिया है, मैं वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ। क्या हुआ है आपको, चाहिए आपको पूरा बॉक्स चाहिए? ले लो पूरा बॉक्स, ले लो, अरे ले लो, ले लो, ले लो, ये लो। सो मेरी अनाबिया को वो मेरे साथ अनबॉक्सिंग करेगी, ठीक है? ओके अनाबो, ओके जानो, जाना जाना। अच्छा जी, तो इन्हें पता है कि मुझे हेयर फॉल का इशू है, तो इन्होंने मुझे शुगर बेयर हेयर के विटामिंस भेजे हैं विद दिस शावर कॉम, मतलब कि कंडीशनर के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो जेंटली, इस तरह से मतलब कॉम कर सकते हो, बेसिकली द पर्पस इज़। सो ओके जी, तो इन्होंने मुझे शुगर बेयर के मल्टी विटामिंस भेजे हैं, दीज आर बेसिकली गमीज़, एक बॉटल में 60 गमीज़ होती हैं, एंड आपको दिन में सिर्फ 2 लेनी होती है। मेन पर्पस इनका यह है कि हेयर फॉल को रुकता है, बालों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थिक बनाता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गूगल भाई साहब को आप यूज़ करेंगे और फुल रिव्यू आप वहाँ पे देखेंगे, ठीक है? बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे। सो ये है भाई 13 विटामिंस एंड मिनरल्स विद दी स्वीट स्मेलिंग सॉफ्ट च्यूई शुगर गमीज। नो, नॉट गमीज। ओके, सो फिर साथ में इन्होंने मुझे ये शावर कॉम भेजा है, मतलब शावर के दौरान आप अपने जी, तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे रूट कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, जैसे कि ये अपलोड किया हुआ है यूट्यूब वीडियो में, यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ करके एक लुक क्रिएट करूँ, डू लेट मी नो। सो द मिस्ट लुक्स लाइक दिस, बहुत अच्छी चीज़ लगी है, इज दिस पैलेट जिसमें ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइटर सब कुछ है। दिस इज कॉल्ड देयर रूट प्रो बटरफ्लाइज, एंड ये कुछ इस तरह से है, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर इन्होंने मुझे सीरम भेजा है मेड ऑफ लव, ठीक है? ये हाइड्रेशन बूस्ट, लुक्स लाइक दिस, प्लास्टिक पैकेजिंग है इसकी। I will be using this one, and इसका लिखा हुआ है made in K beauty, मतलब कि कोरिया में बना है ये। फिर उन्होंने मुझे lashes भेजे हैं जो कि दिखते कुछ इस तरह से हैं। Then उन्होंने मुझे एक eye shadow palette भेजी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, and this is called Naughty Nights। उसके बाद इन्होंने अंदर से, ये मैक्रोनी नहीं है, ये चिप्स हैं जो कि फ्राई होते हैं, तो और तो मैक्रोनी नहीं है। अच्छा जी, तो मैं अभी बताती हूँ। सो ये आई शेडो पैलेट है, इन्होंने मुझे ये मास्क भेजा है, बबल मास्क। ये है इनका स्टार पार्टी आई शेडो, ये आईब्रो है, ठीक है? आईब्रो लैशेस तो मैंने दिखा दिया आपको, ये इनका
lip pencil, micro lip liner. ये है भाई primer oil, eyeshadow primer. है बाकी क्लास स्टार्ट हो गई है. तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ एग नूडल्स, और अपना पता नहीं कि इफ्तारी में क्या बनाऊँगी. आप बताओ क्या बनाओगे.